वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मेरे इस वीडियो में आसूस की तरफ से आने वाला आरओजी फोन 2 और सैमसंग की तरफ से आने वाला फोन नोट 10 लाइट हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्रॉनिकल। मैं हूं पुष्पेंद्र और आज मैं बात करने जा रहा हूं टॉप फोन अंडर 40,000 रुपीज़। इस सेगमेंट में मैं जिन भी फोन्स की बात करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि वो फोन्स जो हैं वो हर एक चीज़ में अच्छे हों, मींस कैमरा डिपार्टमेंट में, परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में, लुक वाइज, फीचर्स वाइज, क्योंकि ये जो 40,000 का सेगमेंट होता है वो एक इंडियन के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं अपने इस कैटेगरी को लास्ट वीडियो की तरह डिवाइड नहीं करूंगा, बेस्ट परफॉर्मेंस फोन, बेस्ट कैमरा फोन्स, बेस्ट ओवरऑल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मेरे इस वीडियो में आसूस की तरफ से आने वाला आरओजी फोन 2 और सैमसंग की तरफ से आने वाला फोन नोट 10 लाइट नहीं है। आसूस आरओजी 2 इसलिए नहीं है क्योंकि आरओजी ऑफिशियल्स ने, आसूस के ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने इस फोन को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो जो फोन डिसकंटिन्यू हो चुका है उसको मैं अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करूंगा। अब अगर बात करते हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले नोट 10 लाइट फोन की, वो मेरी लिस्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि सैमसंग के नोट 10 लाइट में जो प्रोसेसर यूज हुआ है वो है एक्सिनोस की तरफ से आने वाला 9810। और अगर मैं इस प्रोसेसर की बात करूं तो ये काफ़ी पुराना प्रोसेसर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मैं इस प्रोसेसर को स्नैपड्रैगन के किसी प्रोसेसर से कंपेयर करना चाहूं तो यह 845 की कैटेगरी में आता है, और उसमें विनर की बात करें तो उसमें भी हमारा स्नैपड्रैगन 845 विन कर जाता है। तो इसलिए मैं इस फ़ोन को इस कैटेगरी में नहीं रखता हूं। लेकिन अगर आप एक नोट फोन लेना चाहते हैं, आप एक एस पेन यूज़ करना चाहते हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 70,000-60,000 इन्वेस्ट कर सकें, उस सिनारियों में ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं और इस फ़ोन में आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने इस लिस्ट के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में आने वाला जो पहला फ़ोन है वो है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग S10 लाइट। अब आप लोग कहोगे कि इस फ़ोन की कीमत तो 40,000 से ज़्यादा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस फ़ोन पर 4,000 या 5,000 डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा HDFC की तरफ से। अब अगर इस फ़ोन के हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमें इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 855 प्रोसेसर देखने को मिलता है, और जहां तक मेरी जानकारी है सैमसंग की तरफ से आने वाला पहला प्रीमियम बजट फ़ोन है ये, जिसमें हमें सैमसंग के खुद के प्रोसेसर की जगह पर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब अगर इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें, हमें 6.7 इंच फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। हमें इस फ़ोन में पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। हमें इस फ़ोन में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिलती है। इस फ़ोन का बेस वर्जन 8GB 128GB के साथ आता है, आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। सैमसंग ने इस फ़ोन में 4500 mAh की बड़ी बैटरी डाली है, तो आपको इस फ़ोन में बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब अगर इस फ़ोन के लुक की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, तो आपको इसमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि सैमसंग स्टाइल में डिस्प्ले के सेंटर में, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है सैमसंग के फ़ोन को। तो अगर मैं इस फ़ोन के किसी निगेटिव पॉइंट की बात करूं तो वो है, इस फ़ोन में आपको 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता है। हमारी इस लिस्ट में आने वाला अगला फ़ोन रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी X2 Pro। यह फ़ोन लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था और यह फ़ोन अभी भी हमारी लिस्ट में आता है क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छा है। हमें इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 855 प्लस देखने को मिलता है, 6.5 इंच AMOLED स्क्रीन 90Hz पैनल के साथ में। इस फ़ोन में हमें 8GB 128GB का वेरिएंट देखने को मिलता है, जो मैं इस लिस्ट में काउंट कर रहा हूँ। इसका एक 6GB 64GB का भी वेरिएंट आता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा उसके साथ मत जाइए, क्योंकि 64GB काफ़ी कम होता है, आपको उसमें से नियर अबाउट 50GB ही मिलेगा। और अगर आप उसे एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर लेंगे, थोड़े बहुत गेम खेलना चाहेंगे, तो वो बहुत जल्दी आप फुल हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अब अगर इस फ़ोन के बैटरी की बात की जाए तो इसमें हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और उसे चार्ज करने के लिए वूक चार्जर 50W का आपको बॉक्स में देखने को मिलता है। इस फ़ोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो हमें इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64MP प्राइमरी सेंसर, देन 13, 8 and 2। फ्रंट में आपको 16MP की सेल्फी देखने को मिलती है। हमारी इस लिस्ट में आने वाला अगला फ़ोन OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus 7T। वैसे इस फ़ोन की प्राइस अप्रॉक्स 37,000 होती है, बट ऑफर में आपको यह फ़ोन 35,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यह फ़ोन स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ आता है। हमें इसमें 6.5 इंच सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है विथ 90Hz।
इस फ़ोन में हमें 8GB 128GB का बेस वेरिएंट देखने को मिलता है। हमें इसमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48MP, 12MP एंड 16MP। इसमें 12MP का हमें टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। एक्चुअली टेलीफोटो लेंस को आप कई पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैक्रो की तरह यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोटो की तरह एज पोर्ट्रेट मोड के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। अगर इसमें सेल्फी की बात करें तो हमें 16MP की सेल्फी देखने को मिलती है। इस फ़ोन में हमें सबसे छोटी बैटरी देखने को मिलती है जो कि 3800mAh, और उसे चार्ज करने के लिए बॉक्स में 30W का रैप चार्जर देखने को मिलता है। अगर इस फ़ोन के डिज़ाइन की बात की जाए तो हमें फ्रंट और बैक दोनों में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। कैमरा सेटअप आपको रेक्टेंगुलर ना होकर सर्कुलर देखने को मिलता है, और आपको इस फ़ोन में एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है। प्लस इस फ़ोन में कोई भी 3.5mm का जैक नहीं मिलता। चलिए अब बात करते हैं हमारी लिस्ट में आने वाले फर्स्ट एंड सेकंड फ़ोन की। तो एक्चुअली मैं अपनी तरफ से इन दोनों फ़ोन को कोई भी रैंकिंग नहीं दे रहा हूँ, तो ये आपके ऊपर है आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं। दोनों फ़ोन अपनी जगह काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों फ़ोन की, तो एक फ़ोन है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी X50 Pro, और दूसरा फ़ोन है iQOO की तरफ से आने वाला iQOO 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी X50 Pro से। हमें इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला लेटेस्ट चिपसेट 865 देखने को मिलता है। इस फ़ोन में 6.44 इंच सुपर एमोलेड 90Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है। यह फ़ोन 6GB 128GB के बेस वेरिएंट के साथ आता है। इस फ़ोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64MP, 12MP, 8MP एंड 2MP। फ्रंट में आपको 32+8 की सेल्फी देखने को मिलती है। इस फ़ोन में 4200mAh की बैटरी, और उसे चार्ज करने के लिए 65W का चार्जर देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं iQOO की तरफ से आने वाला iQOO 3। इस फ़ोन में भी हमें स्नैपड्रैगन 865, 6.44 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन यह डिस्प्ले कोई भी 90Hz के पैनल के साथ नहीं आती है। इस फ़ोन में हमें बेस वेरिएंट 8GB+128GB का देखने को मिलता है। इस फ़ोन में हमें 4440mAh की बैटरी देखने को मिलती है, प्लस बॉक्स में 55W का चार्जर देखने को मिलता है। अगर इस फ़ोन के कैमरा सेटअप की बात की जाए तो इस फ़ोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है रियर में, 48MP का प्राइमरी सेंसर, देन 13MP प्लस 13MP एंड 2MP। फ्रंट में आपको 16MP की सेल्फी देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने क्यों इन दोनों फ़ोन्स को फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन नहीं दी है, तो चलिए मैं आपको इन दोनों फ़ोन के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा फ़ोन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपको रियलमी X50 Pro का जो बेस वेरियंट है वो भी 5G के साथ देखने को मिलता है, जबकि iQOO में आपको 5G देखने को नहीं मिलता है, आपको केवल इसके टॉप वेरियंट में 5G देखने को मिलता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है X50 Pro की तरफ। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको Realme X50 Pro में 64MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, और फ्रंट में आपको 32MP की मेन सेल्फी देखने को मिलती है, जबकि iQOO में आपको 48MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है और फ्रंट में 16MP की सेल्फी देखने को मिलती है। अगले पॉइंट की बात करें तो हमें Realme X50 Pro में 90Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि हमें iQOO में 60Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये थी कुछ बातें जिसमें Realme X50 Pro आगे निकल जाता है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं iQOO 3 की। हमें iQOO 3 में मॉन्स्टर बटन देखने को मिलती है, जो कि आपको गेमिंग करते समय काफ़ी हेल्प करेगी, और PUBG जैसे गेम में आप इसे काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो आपको iQOO 3 में 3.5mm का जैक देखने को मिलता है, जो कि Realme X50 Pro में नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए 3.5mm जैक काफ़ी मैटर करता है, जैसा कि एक्चुअली मुझे करता है अगर मैं सच बताऊं तो मेरे लिए iQOO बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगर आप अगले पॉइंट की बात करें तो iQOO की जो बैटरी है वो Realme X50 की बैटरी से थोड़ी सी बड़ी है। इसकी बैटरी अप्रॉक्स 4500mAh है, जबकि Realme X50 Pro की जो बैटरी है वो आपको 4200mAh की देखने को मिलती है। देखिए अगर चार्जिंग की बात करूं तो कहने के लिए एक का 55W और दूसरे का 65W है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। आई थिंक मैक्सिमम 5 मिनट का डिफरेंस है दोनों को फुल चार्ज करने में। मैंने खुद ट्राई किया है, iQOO का जो फ़ोन है वो लगभग 33-34 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी स्पीड है अगर उसकी बैटरी की साइज़ को देखकर बात की जाए तो। अगर अगले पॉइंट की बात की जाए तो iQOO का जो स्टोरेज है UFS स्टोरेज वो 3.1 है, और Realme में जो स्टोरेज यूज़ किया गया है वो है UFS 3.0। तो ये काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि UFS 3.1 अप्रॉक्स 60% फास्टर है UFS 3.0 से, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। iQOO का जो बेस वेरिएंट है वो आपको 33,000 का देखने को मिलता है, जबकि Realme X50 Pro का जो बेस वेरिएंट है वो 40,000 रुपीज़ का आता है।
तो दोनों में लगभग 7000 रुपीज़ का डिफरेंस है। अब अगर मैं अपने लिस्ट में आईफोन यूजर्स की बात करूं तो आईफोन की तरफ से आने वाला आईफोन SE 2020 ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। हमें इसमें A13 बायोनिक चिप देखने को मिलती है जो कि अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो स्नैपड्रैगन के 865 से भी फास्टेस्ट है। तो आपको इसमें A13 बायोनिक चिप देखने को मिलती है। आपको इस फोन में 4.7 इंच रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन है। आपको इस फोन में 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 7 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। इस फोन में सब कुछ काफ़ी अच्छा है। इस फोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। आपको इसमें IP रेटिंग्स देखने को मिलती है। ये फ़ोन डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। लेकिन अगर बात करें इस फोन की कमी की तो वो है इसकी बैटरी। आपको इसमें टोटल 1821 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। आपको इस फोन में रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। आपको इस फोन में फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। तो इस फोन में सब कुछ काफ़ी अच्छा है एक्सेप्ट इसकी बैटरी। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो फ़ोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप डेली यूज़ करते हैं, वेरी नॉर्मल यूज़ है आपका, वेरी कैजुअल यूज़ है डेली के लिए, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होगा। तो अगर आप चाहते हैं एक आईफोन अंडर 40,000 रुपीज़ तो आप इस फ़ोन को प्रिफर कर सकते हैं। ये थे मेरी तरफ से बेस्ट फ़ोन अंडर 40,000 रुपीज़। अब आपको चूज़ करना है कि आपके लिए इनमें से कौन सा फ़ोन बेहतर है। इस तरह की वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करें। फिर मिलते हैं अगले किसी टेक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।